सीरियल पोरस में पुरु लेगा पौरो राष्ट्र में एंट्री ताकि वो बमनी और अनुसुईया को बचा सके। सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन का सबसे पॉपुलर शो पोरस के आने वाले एपिसोड में ऑडियंस को देखने को मिलेगा हाई वोल्टेज ड्रामा एंड ट्विस्ट। जैसे कि हमने पहले देखा था कि शो में कनिष्ठ बन जाएगा पौरो राष्ट्र का राजा और शिवदत्त की बातों में आकर उसने दे दी है बमनी को सजाए मौत। ये सुनकर बमनी बिल्कुल टूट जाता है और उसकी दी हुई सजा इनकार कर लेता है। यही नहीं, बदले में वो कनिष्ठ से कहता है कि वो अपने बेटे को बहुत प्यार से पाला है और एक अच्छा पिता बने। अनुसुईया भी बमनी को इस बात का दिलासा देती है और ये सब सुनकर कनिष्ठ बहुत भावुक हो जाता है। कनिष्ठ अपने आप को रोक नहीं पाता और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। कनिष्ठ को ऐसा देखकर शिवदत्त को लगता है कि उसका प्लान पूरा नहीं हो पाएगा, इसीलिए शिवदत्त कनिष्ठ को कहता है कि एक राजा को मुश्किल से मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं और उसे भावुक होकर फैसला नहीं करना चाहिए। शिवदत्त तो यहां तक कहता है कि अगर उसने बमनी को छोड़ दिया तो वो फिर से राजा बन जाएगा और बड़ा होने की वजह से अगला राजा पुरु होगा। कनिष्ठ ये बात सुनकर कुछ नहीं कहता और शिवदत्त सिपाहियों को बमनी और अनुसुईया को मार देने के लिए कहता है। इसके बाद कहानी में आगे एक धमाकेदार ट्विस्ट होता है क्योंकि तभी वहाँ पुरु की हीरो वाली एंट्री होती है। वो तलवार को पकड़कर सिपाहियों को मार गिराता है। पुरु सबको ये चेतावनी भी देता है कि अगर किसी ने भी उसकी ओर बढ़ने की कोशिश की तो वो सबको मार गिराएगा। अब आगे देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या पुरु अनुसुईया और बमनी को बचाने में कामयाब हो पाएगा, क्या शिवदत्त का प्लान बमनी को रास्ते से हटाने का कभी पूरा हो पाएगा, क्या बमनी कभी वापस राजा बन पाएगा। पहले शो से जुड़ी सारी अपडेट्स जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब अस। सीरियल पोरस में कनिष्ठ करेगा सबसे बड़ा फैसला बमनी को सजाए मौत सुनाने का। सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन का सबसे पॉपुलर शो पोरस के आने वाले एपिसोड में ऑडियंस को देखने को मिलेगा तूफानी ड्रामा एंड ट्विस्ट। जैसे कि हमने पहले देखा था कि शो में कनिष्ठ ने कर लिया है पौरो राष्ट्र पर कब्जा और बन गया है उसका नया राजा। कनिष्ठ ने ऐसा करके बमनी और अनुसुईया को काल कोठरी में डाल दिया है। कनिष्ठ के इतने बुरे बर्ताव को देख कर खड़का उसके साथ नशे में इतनी बड़ी अंधा होने के लिए कहती है। तभी वहाँ शिवदत्त आ जाता है और बमनी को सजाए मौत सुनाने का फैसला पर अपनी मोहर लगाने के लिए कहता है। शिवदत्त यहाँ ये भी कहता है कि बमनी एक बेकार राजा था और उसे राज करना नहीं आता। शिवदत्त की बातों में आकर कनिष्ठ बमनी को सजाए मौत देने के लिए तैयार हो जाता है। वहाँ काल कोठरी में बमनी को अनुसुईया की बात न मानने पर पछतावा हो रहा है। उसे अब लग रहा है कि अनुसुईया हमेशा से शिवदत्त के बारे में सही कहती थी और उसने उसकी बात न सुनकर बहुत बड़ी गलती की। इसके चलते कनिष्ठ सबके सामने बमनी और अनुसुईया को अपने दरबार में बुलाता है और बमनी को सजाए मौत देने का फैसला सबके सामने सुनाता है। अब आगे देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या कनिष्ठ अपने ही पिता बमनी को सजाए मौत देगा, क्या पोरस सही मौके पर आकर बमनी और अनुसुईया को बचा लेगा, क्या होगा जब पोरस को पता चलेगा इन सारी चीजों के बारे में। वेल शो से जुड़ी सारी अपडेट्स जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब अस।